लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Year's best fashion designing is Vasundhara. Thank you. शो शुरू करो। एक्चुअली सर शो सर 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 शो चालू होगा सर, आप थोड़ी देर रुकिए। उसका नाम है बसवराज। वैसे तो बाहर नहीं आता है, अगर आया तो कुछ न कुछ बुरा होता है। उसका भाई राम राजू लोकल एमपी है। सोच उसकी है तो हथियार ये है। बचुआ, हम दिल्ली जाकर आते हैं, तुम उस पुलिस ऑफिसर से बात करो। छोटे बच्चे ऐसी बातों से डर जाएंगे, मैं नहीं। ये तो गए। मेरे बेंगलोर में मुझे मार कर तू क्या बच पाएगा? तो क्या कल मारूं, परसों मारूं या फिर नर्सों मारूं? औरतों को छेड़ा तो जब चाहे तब, जहां चाहे वहां बोल बोल कर मारूंगा।
ये लोग कौन बाड़े रे? जब से तुम्हारे पास काम पे लगा तब से बोल रहा हूँ, भोजपुरी में बात मत करो, मुझे समझ नहीं आती, हिंदी में बोलो। ओहो, कौन है ये? पता नहीं। पता नहीं कैसे पता चलेगा वो कौन है? वो नहीं रे, ये लोग हाँ। डॉक्टर सुरेखा मैडम ने बताया था कि दो लड़के आएंगे, ये लड़के वही लोग हैं। अपने रूल्स बताए थे? नहीं बताया। वो किस लिए? तुमने कहा था क्या? नाश्ता किया क्या? हाँ, कर लिया सर। मैंने कहा था क्या? आपकी यही बात तो पसंद है, अच्छा किया तो पगार देते हो, गलत किया तो थप्पड़ मारते हो। समझ में आ गई बना? कुछ तो आ गई बस। फॉलो मी। ठीक है सर। छोटा कागज का ही तो टुकड़ा है। छोटा टुकड़ा हो बड़ा टुकड़ा हो है तो कचरा ही ना यादव माँ, पता बाना? हाँ पता है हमको। लिफ्ट भी साफ कर दो। यादव माँ लिफ्ट साफ करो। सफाई किए हैं? वो फर्स्ट फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो, लिफ्ट तो एक ही है ना साहब। समझ आई ना? आ गई ला गई। अरे वो पानी लेकर जा रहा है या गिराता जा रहा है? गिराते हुए ले जा रहा है सर। वो किस लिए? गलती आपकी ही है, उस फ्लैट में पाइप खराब होने की कंप्लेंट दिया तो आपने ध्यान दिया क्या? मुझे देखो, उसकी तकलीफ मेरी नहीं है क्या? मेरा बाथरूम यूज करने को कहो। ठीक है सर। ए बबली, अभी नहीं, वो दो बाल्टी पानी खत्म होने के बाद, समझा? फ्लैट बहुत अच्छा है यार। सर आप क्लीन एंड ग्रीन अपार्टमेंट का ओनर हूँ बंटी सर। क्लीन? शादी हुई क्या? मुझे क्या पता। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में। इट्स नॉट अबाउट मी, अबाउट यू मैन। नहीं हुई सर, फोन पे पूछा तो बोला बैचलर हूँ। बैचलर्स यानी शादी नहीं हुई मतलब? ओहो, मुझे भोजपुरी नहीं आती सर, इसीलिए समझ नहीं आया। हाँ सर। इस सिटी में हमारे ही सुपर फ्लैट्स हैं, यहाँ 24 आवर्स वाटर और करंट मिल जाएगा ना। देखिए ये फैमिली रहने वाले फ्लैट्स हैं, हो या न हो ऐसे ही रहना होगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। वैसे रहे तो भाड़ा लेते वक्त मुझे परेशानी होगी ना, हो या न हो वैसे ही रहना होगा, समझ में आई ना? मतलब क्या? समझ गया ना। ऐसा डोज दिया कि डर से कांपने लगा वो। अरे फिसल क्यों रहे हैं सर? थैंक्स सर, टाइम पे आपकी वजह से हल्का हो गया हूं। हल्का क्या है? अरे भाई जरा जल्दी आओ, मुझे बहुत जल्दी लगी है। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन लोगों के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा होगा। मेरे बाथरूम में जाने को कहा। क्या रे? मग से पानी दो ना। इसलिए रुका नहीं तो किचन में ही कर लिया। किचन में मग से पानी कम पड़ेगा रे, तुझे तो पूरी बाल्टी चाहिए। वो साउंड क्या है? वॉशिंग मशीन सर। मतलब उसमें भी किसी ने? ए रुक रुक, तेरे पाँव पड़ता हूँ। ये क्या है रे? मेरा अंडरवेयर है। इसमें इतनी खिड़कियाँ क्यों है? जरा जल्दी थी इसलिए मैंने सुखा लिया। तो इतनी जल्दी क्या थी, धूप में सुखा लेता? अरे धूप में कौन सुखाएगा। मैंने ही बताया था सर। कहा बतावे के बाद, कहा नहीं बतावे के बाद, समझ में आ गई बात सर? आ गई बात। फिर क्यों आ रहे? उठा इसे, उठा 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 इसे। Come in. कौन है? बस रुको, तुमसे बात करनी है। जिंदगी में फिर तुमसे मिलूं या तुमसे बात करूं, ऐसा मैं नहीं चाहती। हर कहानी का एक अंत होता है, हमारी कहानी का अंत कब होगा? हमारी कहानी खत्म हो चुकी है, इससे अब कुछ भी हासिल नहीं होगा।
से बाहर तो निकल जाऊंगा, दिल से बाहर कैसे निकालोगे? जिंदगी में फिर तुमसे मिलूं या तुमसे बात करूं, ऐसा मैं नहीं चाहती। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है, इससे अब कुछ भी हासिल नहीं होगा। अंजलि, तुम्हारे डैडी कहाँ है? फ्लाइट को देर हो रही भाई है। तो मैं भी देख रही हूँ, सारे पासपोर्ट उन्हीं के पास है, फ्लाइट के लिए देर भी हो रही है। I'm sorry. It's okay. ए, क्या हो गया? वो कुछ नहीं, उसने जान बुझ कर धक्का मारा। इसको क्या तकलीफ है? ए, जाने देना। क्या छोड़ देना, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। लड़की को देखते ही लाइन मारते हैं, धक्का मारते हैं, फालतू लोग। ए, सॉरी बोलो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें धक्का लगने की जगह उसको कैसे लग गया। क्या कहा, मुझे धक्का मारोगे? धक्का मारो, 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 मारो। ऐसा कहा तो सच में धक्का मारोगे? मैंने तुम्हें कहा जाने दो, जाने दो, तुमने कहा सुना? वो धक्के पे धक्का नहीं मारेगा तो छोड़ेगा क्या? शट अप, दरअसल तुम्हें कहना चाहिए था। क्या है मैडम, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, फ्लाइट को देर हो रही थी, मैं वहाँ से आ रहा था, ये लोग यहाँ से आ रहे थे, अनाउंसमेंट का टेंशन था, दोनों का ध्यान नहीं था, मैंने इस लड़की को ऐसे धक्का मारा। अब जिसको धक्का मारा था वो तो ठीक है, लेकिन इससे क्या परेशानी है समझ में नहीं आ रहा है। माइंड योर लैंग्वेज। क्या हुआ मियां? अरे कुछ नहीं मियां, मैं उधर से आ रहा हूँ मियां। हाँ। वो पट्टी इधर से आ रहा है। हाँ। लाइट का टाइम हो गया। हाँ। उसको टेंशन हो गया, उस लड़की को मैंने ऐसे धक्का मारा, इसमें मेरी गलती कहाँ मियां? ये क्या रे, ये एक्शन रिप्ले करके बार बार क्यों दिखा रहा है? इसमें क्या तकलीफ है, बराबर हो गया। शट अप यू। अरे का बात दहो? अरे कोनो बात नहीं, हम उतर से याद रहने लगे की वहाँ से याद रहे हम दोनों। अचानक बेटा बेटा, देश में 28 राज्य है, हर राज्य की भाषा है, तुम अगर हर भाषा में धक्का मारोगे तो हम तो मर जाएंगे, शीशे टूट जाएंगे, हमें छोड़ दो। चलो बेटा। नो अंकल, उसे ऐसे नहीं छोड़। चलो बेटा, अब चलो भी, हमें शादी में भी जाना है। मेरे साथ अन्याय हुआ। थैंक यू, माँ बाप सब ठीक है ना? नाइस परफ्यूम। ये क्या अंकल, ये यहाँ भी आ गया? ये मेरी सीट है। ये विजयवाड़ा से गोदावरी वाली लाल बस नहीं है कि हाथ रखकर सीट अपनी बना ली, ये सीट मेरी, हाथ हटाओ। ये क्या, ये बात है? मतलब मेरे बाजू में बैठोगी तो लव हो जाने का डर है? तो फिर जाओ, जाओ ना जाओ। फ्लाइट में आपकी सेफ्टी आपका ये लॉकेट नहीं करेगा, कॉकपिट का पायलट करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुझे मेरी मान लिया है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, बेल्ट बांध लो। तुम्हारे कहने से लगा लूं क्या? बेकार की बहस क्यों कर रही हो, बेल्ट नहीं बांधोगी तो ऊपर से नीचे टपक जाओगी। आई नहीं, संभाल के ऊपर गिरेगा। क्या था ना, मैंने सुनना था ना, नहीं सुना? ओके, देखा तुमने? मेरी चेरी? You want one more, sir? No, this one is tasty. Okay. अगर उसे मालूम पड़ जाता तो? नहीं लेते, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है? मेरे हाथ देखिए। मेरा भी हाथ देखो ना, देखो ना। तुमने पहले मुझे धक्का मारा था, मेरा हाथ देखो। तुमने धक्का मारा था ना, तुम्हारा हाथ देखता हूँ पहले। हाँ, ये क्या लव सिंबल बनाया? इससे पता चलता है तुम लव करोगी या नहीं। करोगी, तुम्हारे पीछे कोई ऐसा वैसा नहीं है, देखा था ना, मैंने उस चेरी तक को नहीं छोड़ा था। करोगी, डूब कर लव करोगी तुम। मुझे भी बता दो ना। ए, हाथ निकल, बेवकूफ कहीं की, इससे कुछ भी नहीं मालूम, जो सबको कहता है वही तुझे भी कहेगा, बैठ जा। गलत बात है, शेप सारे एक जैसे होते हैं, लकीरें अलग होती हैं। इतना गुस्सा क्यों,
तुम्हारा नहीं देखा इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। चेहरा देखकर बता सकता हूँ तब अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, तुम ही नहीं पहुंचोगे। अपनी फ्लाइट में अभी 6 घंटे लेट है बेटे, चलो चल के सिटी में घूमते हैं। क्यों सर, रास्ते में भी आपकी दारू बंद नहीं होती है? बेटा आदमी की जिंदगी दूध से शुरू होती है, मेरी जिंदगी दारू से डेवलप हुई है। दवाई की बोतल पर खत्म ना हो ध्यान रखना। वाओ एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। अरे ऐसे क्या देख रही हो, चमचाबाद का एयरपोर्ट भी तो ऐसा ही है। चलो सिटी दिखाता हूँ। चलो घूम के आते हैं। ये क्या दिखाएगा तुझे? हाँ, देखना है तो इसका कैरेक्टर देख। क्यों ऐसे घूर रहे हो, कभी लड़की देखी नहीं? इस एज में नहीं देखा तो फिर आँख वेस्ट है बेटी। देखने से क्या मिलता है? नेत्र का आनंद, आँखों की ठंडक। मर्दों की खास बात क्या है पता है? कुछ देख कर अकेले ही खुश नहीं होते, 10 लोगों को बता कर खुश होते हैं। ठीक कहा आपने, मैं भी 10 लोगों को बता के अपनी खुशी बांटूंगा। कैसे खुशी जाहिर करोगे? सपोज कहूंगा कि एक लड़की मुझे देखकर हंसी, फ्रेंड से कहूंगा कि उसने सेल नंबर दिया है, नंबर देकर उसने कहा है कि मुझसे आकर रेस्टोरेंट में मिलो। अगर सच में बुलाया तो कहूंगा कि उसने मेरा हाथ पकड़कर प्यार से सहलाया। और उसके बाद हाथ में हाथ लेकर क्या किया? कहूंगा उसने पप्पी ले ली। अगर सच में पप्पी ले ली समझ लो, और क्या, दीवाना होकर म्याऊं म्याऊं करने लगूंगा। तो फिर हमारी इस मुलाकात को तुम्हारे दोस्तों से कैसे करोगे? मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, नमक मिर्च लगा के चटपटा बनाऊंगा। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, डर्टी फेलो। जन्म ये नहीं है इंडिया, हे मियाँ मियाँ मियाँ, जन्म ये नहीं है इंडिया। Yeah.
पाते हैं जो चाहे करता बन ठन के चलता है जाने क्यों जलता है पागल अनाड़ी है जन क्या करता मैं दीवाना मैं मस्ताना सारे जहां को प्यारा मैं यादों में और वादों में मैं हूँ सबसे न्यारा मेरे जैसी लड़की मुझ पे हाँ जा लुटा दी जाए मेरी अदा है सबसे जुदा मैं चलो चलो आंजू जल्दी करो आओ बेटा वसु बैठो लो वल्ली फो ठीक है डैडी आप उतरिए उन्हें बैठने दीजिए आइए आइए थैंक यू कोई जरूरत नहीं है अंकल आप जाइए अरे मौका मिलते ही शुरू हो जाता है देर हो रही है टैक्सी चलो बैठो देर हो रही है झगड़ा करोगी तो लोग समझेंगे इंडियंस में एकता नहीं है चलो ओ कोची सिक्स आवर साथ गुजारते ही मुझे अकेले में ले जा रही हो अनजान शहर अकेले में ले जाकर कुछ करोगी तो नहीं ना देखो कैसे देख रही हो मुझे डाउट हो रहा है ओह माय गॉड ओ गॉड फ्लाइट मिस हो गई दूसरी फ्लाइट देखनी होगी कम ऑन एक्सक्यूज मी वी गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम दिस फ्लाइट इज डिपार्टेड व्हेन इज द नेक्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट फ्लाइट इज टुमारो मॉर्निंग क्या हो गया सब तुम्हारी वजह से हुआ तुम्हारी वजह से फ्लाइट छूट गई बच्चों की तरह क्या कर रही हो नेक्स्ट फ्लाइट है ना तब तक शादी रुकेगी क्यों तुम नहीं जाओगे तो शादी नहीं होगी क्या कैसे हो जाएगी ये कोई आम मंगलसूत्र वाली शादी नहीं है तिरुपति के स्वामी के चरणों में रखकर ला रही हूँ और ये मेरे पास है पासपोर्ट चाचा जी के पास है कैसे होगी शादी तुम्हें वहां टाइम पर पहुंचना है यही ना आओ आई एम सॉरी लिज़ा आई वांट टू गो एंड मेक इट डोंट से इट लाइक दैट ऑल द डेलीगेट्स आर वेटिंग फॉर यू प्लीज लिज़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ यू डोंट कम यू नो व्हाट द कंपनी विल लूज व्हाटएवर हैज टू हैपन विल हैपन आई एम सॉरी आई कांट कम प्लीज लिसन इसे बुझा दोगे टेंशन में ऐसा ही होता है सिगरेट पीने वाला पति मिल गया तो क्या करोगी ओहो एडजस्ट कर लोगी ना ऐसे समय कभी शादी ना करूं तो कैसे लड़के से करोगी फर्स्ट वो सिगरेट नहीं पिएगा तो क्या दारू पी सकता है नो कभी भी नहीं पी सकता किसी पार्टी में पी सकता है वहाँ डांस करना पड़ा तो मेरे साथ ही करना होगा इतना ही नहीं रोज 6 बजे से पहले घर पे आना होगा नहीं आया तो दरवाजे बंद कहीं बाजू वाले के घर गया तो डिवोर्स बाप रे पति से अलग होने के तो हजारों बहाने हैं तुम्हारे पास लेकिन साथ में रहने का कोई तरीका नहीं है ऐसे फालतू काम के लिए मंगलसूत्र लेकर जाना और लेट होने पर मुझ पर चिल्लाना किस लिए सुनो मंगलसूत्र के साथ वो नहीं लाई क्या वो क्या अरे वही जो दुल्हन के हाथ में रखते हैं ना गोल गोल हरा हरा वो कोकोनट हाँ कोकोनट यस अब कोक और पेप्सी पीकर बहुत बोर होने लगा हूँ वो दे दो तो फोड़ कर पी जाओ वो होता तो तुम्हारे सर पे फोड़ देती टेंशन से मरी जा रही हूँ और जोक कर रहा है टेंशन दूर करने के लिए काम करें वो क्या आइटम्स रखे हैं ना ए अरे वही बैग वाले आइटम्स उनमें से तुम भी गुड़ ले लो मैं भी गुड़ ले लेता हूँ हल्दी के साथ मैं तुम्हारे सर पर रखता हूँ तुम मेरे सर पर रख दो और वो मंगलसूत्र है ना तुम्हारे गले में बांध देता हूँ समझो हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद असल प्रोग्राम शुरू होगा दूध फल पलंग एक्चुअली मैं मंगलसूत्र वैसे यूज नहीं कैसे यूज करती हो क्यों सांस रुक गई ना नहीं ट्रेन रुक गई है चलो उतरते हैं अब हम वहाँ कैसे जाएंगे
तुम्हें तैरना आता है? नहीं आता। तो साइकिल चलाने आती है? आती है। ठीक है, तुम चलाओ, मैं बैठता हूँ। मैं नहीं चलाऊंगी। तो मैं चलाता हूँ, तुम बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगी। बैठोगी नहीं, चलाओगी नहीं तो क्या करोगे? चलो वहाँ चलते हैं, कोई ट्रक या बस ढूंढना पड़ेगा। इतनी देर से चला रही थी, अब मेरे पास ही सो रही है। हेलो, हम लोग यहाँ पहुँच गए, तुम कहाँ हो? नहीं वो ट्रेन मिस हो गई, ट्रक से आ रही हूँ। फ्लाइट मिस कर दी, ट्रेन मिस कर दी, अब क्या खुद को मिस करने का इरादा है? ए, शट अप। ये कंट्री बैठा है ना, ये जो बोलता है वही होता है। बाप रे, ओ गॉड, देखना कितनी बातें बोल गई। अब इस वक्त टायर पंचर मत करना, नहीं तो वो भी मुझ पर डालेगी। जो बोला सच हो गया, उसने मदद नहीं की। ये भगवान, ये कंट्री मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? भगवान किसी का बुरा नहीं करता, ऐसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, वरना किसी काम के नहीं रहेंगे। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। अब आगे बढ़ो, बढ़ो। भाई कहाँ जा रहे हो? चाची के घर से ऐसे ही चले जाओगे? अरे ये क्या तुम्हारा लगेज हम लेकर आ गए बेटा? अरे तुम तो हमारी बेटी को लेकर आए हो, चलो अंदर चलो, लेकर जा रहे। प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम सर, कम, आइए ना, चलो। दलिद्री छूट गई, उसे वहीं से वापस भेज दो। क्या हुआ जी? और क्या होना है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जिस पंडित को इंडिया से बुलाया था ना, उसने एयरपोर्ट पे किसी लड़की को छेड़ दिया, उसे पुलिस ने अंदर कर दिया। तुम्हें पहले से ही बोला था ना ये सब न्यूसेंस मत करो। क्यों? हार बदलना, कुमकुम के बगैर शादी नहीं होती, सांप्रदायिक रीति रिवाज कह के यहाँ तक लाई हो, हल्दी गुड़ सर पर रख के मंगलसूत्र बांधे तो ही शादी होती है। बकवास, हटाओ इसे। ये क्या कर रहे हैं? समुद्र पार करने से संप्रदाय का कल्चर भूल जाते हैं क्या? आप इन्हें बेकार की चीजें मानकर फेंक रहे हैं। इनकी कीमत पता है आपको? ये हल्दी गुड़ है, इन दोनों को मिला दो तो कभी अलग नहीं होते। शादी के बाद पति पत्नी भी जिंदगी भर साथ रहे, इसलिए इन्हें सिर पर रखवाते हैं। ये है मंगल सूत्र। मंगल यानी पवित्रता, सूत्र मतलब धागा। ये गले में पहनते ही शादी अग्नि से भी पवित्र हो जाती है। मायके में जाओ तो ससुराल को, ससुराल में जाओ तो मायके को न भूल जाओ, इसलिए दो तिलक वाले धागे को गले में बंधवाते हैं। कुमकुम चावल का महत्व पता है आपको? उस घर में खुशियां और प्यार भी उसी तरह आकर ग्रेसली सर पर डलवाते हैं।
सात फेरों में हर एक फेरे का एक मतलब है। पहला फेरा अन्न पाने के लिए, दूसरा फेरा सुख और शांति के लिए, तीसरा फेरा व्रतों के लिए, चौथा फेरा संतान के लिए, पांचवा फेरा संपत्ति के लिए, छठवां फेरा साथ निभाने के लिए, सातवां फेरा सत्यता के लिए। एक के बाद एक सात फेरे लेकर साथ रहते हुए मर्यादा को निभाते हुए चारों दिशाओं के साक्षी से तीन गांठों के रिश्ते से दो जिंदगियां एक हो जाना ही शादी है। ये लीजिए। थैंक्स बेटा। मुझे बहुत शर्म आ रही है जी, शादी का मतलब 25 साल बाद चला। तुझे पता चला तो सॉरी बोल, इसको समझ नहीं है। तू इतना डल क्यों है? सर दर्द कर रहा है। दारू पी चली जाएगी। दारू पीने से चला जाएगा? क्यों, तेरा बड़ा बाप बिना गैप के पिया दौलत चली गई, तेरा बाप गैप के बगैर पिया जान चली गई, तेरा सर दर्द नहीं जाएगा? हाँ बेटा, तुझे ही ढूंढ रहा था, एक सिगरेट निकालो। वो मैंने छोड़ दिया। ये क्या कह रहे हो, कल दारू छोड़ दिया कहा था, आज सिगरेट? शादी के इतने कारण बताओ, ये सिगरेट छोड़ने का कारण बताओ। क्योंकि जिसे पसंद करता हूँ उसे ये पसंद नहीं है। जिसे तुम पसंद करते हो उसे पसंद नहीं है, इसलिए जा रहे हो? मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, मेरी वजह से तुम्हारा प्रोग्राम अपसेट हो गया। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी खूबसूरती है। एयरपोर्ट पे तुम गुस्सा नहीं करती तो हम अपने रास्ते पर चले जाते, इतनी दूर मिलकर साथ ट्रैवल नहीं करते, ये हैप्पी मोमेंट्स भी नहीं मिलते। रुक क्यों नहीं जाते? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। Thank you.
होने वाली दुल्हन फॉरेन से हमारे लिए क्या लाई हो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए वार्डन अंकल अच्छे पति को लेकर आए हैं। अंदर आ जाओ। आओ माय डियर सिस्टर वसु। चाचा जी देखिए, ही इज मिस्टर विजय कुमार, कंप्यूटर इंजीनियर, करेंटली वर्किंग इन लंदन। तुम्हारे मामा जी, तुम्हारी सास, तुम्हारी दोनों नंदे, मेल मिलाप हो गया, इसलिए तुम जाकर दुल्हन के गेटअप में तैयार हो जाओ तो काम पूरा हो जाएगा। जी, मैं बात करके आता हूं। कौन है वो लड़का? रोहन। वो बात नहीं है, अब हम उन्हें क्या जवाब दें? ए, तुम जरा बाहर जाओ। माफ कीजिए धनंजय जी, वसुंधरा को ये शादी पसंद नहीं है। ए, जल्दबाजी हो गई, सॉरी। मुझे सॉरी क्यों बोल रहे चाचा जी? तू ही तो उसका भाई है। मैं आफ्टर ऑल मैं हॉस्टल का वार्डन हूँ। हॉस्टल में रहेंगे तो हम उनके गार्डियन हैं। एक बार बाहर चले गए तो हम कौन और वो कौन? अब तक हर फैसला आपसे पूछ कर ही लिया है चाचा जी, इस फैसले को तो मान जाइए ना आप। उसकी मर्जी तो ठीक है, लेकिन वो है कौन? नमस्ते, मेरा नाम रोहन है। आपको रईस लड़का ही चाहिए तो मैं करोड़पति हूँ। पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो मैं एमए पास हूँ। और अगर इज्जतदार खानदान का लड़का चाहिए तो मेरे पिताजी जेट टी चेयरमैन हैं। मैंने आपकी लड़की की खूबसूरती से प्यार नहीं किया, संस्कार मानने वाली वसु जैसी लड़की से शादी करने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। प्यार का मतलब एक दूसरे को पसंद आना ही नहीं, एक दूसरे पर भरोसा है। हमारा प्यार आपको सच्चा लगता हो तो हमें आशीर्वाद दीजिए। Well, फिलहाल यहाँ पर अनवांटेड मैं ही हूँ, ये मैं समझ गया। सॉरी सर, मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता। नो नो नो, नॉट एट ऑल। तुम दोनों की मर्जी जानने के बाद मेरी मर्जी भी यही है, तुम दोनों की शादी में आना। जीजा के साथ साला, अब मेरे जीजा जी माँ बाप के साथ, मेरे जीजा की इंटायर फैमिली, अब मेरे जीजा के डियरेस्ट फ्रेंड डॉक्टर सुरेखा। हाय। राजू। हेलो। हेलो। हाय। जल्दी निकालो, मुझे और भी काम है। क्या काम है? बच्चे पैदा करने हैं ना। बच्चे? कितने बच्चे? 10-12 तो होनी चाहिए। 10-12? क्यों नहीं? मुझे एक ही चाहिए। एक ही? तुम्हारे जैसा। ओके। Gods must be crazy. Part one या part two sir? इस बच्चे का बाप जो भी हो, बहुत tough boy होगा।
बाप रे। अंकल संभल कर नहीं तो गिर जाओगे। अरे बाप रे, क्या काली जुबान है उसकी। अरे उठा रे। बच्चों की बात को कभी नेगलेक्ट मत करना, समझे क्या? तेरी तो समझ आई ना? आ गई बकर। अब हम बैंगलोर में हुए किंग फेशर फैशन शो में अनजान आदमी से मार खाने वाले राज्य के एमपी के भाई के घर में हैं। एमपी साहब इस पर क्या कहते सुनते हैं? सर पता चला है दूसरे शहर वाले ने आकर आपके भाई को मारा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, जवान लड़का है, ऐसा होता है। उसने मार पिटाई नहीं की? आपके भाई ने लड़की को छेड़ा है और मार खाया, क्या ये सच है? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कहा ना? क्या बता सकते हैं कि एक्सीडेंट कहाँ और कैसे हुआ? ए सुनो, आज तेरा एक्सीडेंट करवाऊँ क्या? बोल। सर सर मैं बात करता हूँ, आप जाइए। इसमें सब लिखा है, छाप दीजिए। मारने के उस अंदाज को देखा है, कुछ लोग सामने वाले को गिराने के लिए मारते हैं, कुछ लोग सामने वालों को मारने के लिए मरते हैं, ये जरूर दूसरी तरीके का इंसान है। बेंगलुरु में हमारी ताकत को जानते हुए भी मारा है, उसकी जन्म कुंडली निकालो। तेरी मम्मी ने आज 100 रुपीज दिया है क्या? नहीं मैं 10 रुपए ही दूंगा। तो लाया क्या? ये देखो डाल डाल। डाल क्यों रे, आज तेरी मम्मी ने तुझे 1 रुपया ही दिया है क्या? नहीं 3 रुपीज ही देती है। दिखा तो। ये देखो। अरे मेरे पैसा आधा मत चिल्ला, पुअर चिल्ड्रंस को हेल्प करने के लिए है। बेटा थैंक्स नहीं बोलोगे? किस लिए बोलू? तुम्हें संभालने के लिए। आप नहीं तो ये संभाल लेता। थैंक्स बोलूंगा तो डोनेशन दोगे? डोनेशन दोगे तो पप्पी दोगे? 500 दोगे तो? जल्दबाजी में तुमसे शादी कर ली, वो गलत था, आज पता चला। 5 साल से तुमसे दूर हूँ, अब मेरे बेटे के नजदीक आकर मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करो, ये कभी नहीं होगा। मारूंगा, जहां मिलोगे वहां मारूंगा।
बाप रे, खून खून कहाँ जाएगा? अगर ज्यादा बोला ना तो बहुत मारूंगा। बाप रे, ये तो मुंह से ही नहीं सर से ही बाहर निकला है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। रुकना यार, प्लीज चल यहाँ से चलते हैं। चॉकलेट ये रोज मेरी मम्मी पर लाइन मारता है। आज मेरी मम्मी, कल तेरी मम्मी, किसी की भी मम्मी मम्मी है ना? लड़कियों को लाइन मारनी चाहिए, मम्मी को क्यों लाइन मारता है? वो मेरी मम्मी पर लाइन मारने के लिए मुझे चॉकलेट दे रहा था। कल तुम्हारी मम्मियों के लिए वीडियो गेम्स भी दे सकता है। छोटे बच्चे हैं, पिघल जाएंगे हम, तो हमारी मम्मियों का हाल क्या होगा? तुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? मारूं? मारूंगा, लेकिन अगर कल को कुछ हुआ तो तेरे डैडी ऐसा है, तेरे को ही देखना होगा। मेरे डैडी तो चलो रे। रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते हैं, ये उन्हें दे देना। क्यों रे, तुझे क्यों इतना फील हो रहा है? हम सब मिलकर एक को मारे न्याय होगा क्या? हम लोगों को न्याय नहीं, मम्मी चाहिए। सर, वो किधर है पता चल गया? खिलाने का मौका नहीं मिला। तुम्हें गए हुए 4 साल हो गए हैं, तुम्हारी हंसी देखने को तरस गया हूँ। बात करना तो सीख गए होगे। डैडी कह के मुझे कब बुलाएगा बेटा? डैडी। बस अब राज को अपना एड्रेस मिल गया लगता है। वो गिफ्ट कहाँ गया? ये कहाँ से मिला? सामने वाले अंकल ने दिया है मम्मी। सामने वाले अंकल? वहाँ क्यों गए थे? बाजू वाले अंकल बुलाते हैं तो जाता हूँ, वैसे ही उन्होंने बुलाया तो गया था। ये क्या है, सिगरेट की बात आ रही है? वो अंकल सिगरेट पीते होंगे। सिगरेट पीना फिर से शुरू कर दिया लगता है। अंकल को तुम जानते हो क्या? उससे तुझे क्या करना है? पढ़ाई छोड़ के बाहर घूमने जाते हो, इसलिए मार्क्स कमाते हैं। इस बार घर से बाहर निकाल दूंगी, लाओ इधर। बेटा, मम्मी से प्यार करते हो ना, मम्मी की दोस्त हो ना, औरों के दिए हुए खिलौने लाओगे
तो मम्मी को गुस्सा आएगा ना। बोलो, तुम जो मांगते हो वो मम्मी दिलाती है ना। परसों किड वर्ल्ड लेकर जाऊंगी, अगले संडे एग्जीबिशन में लेकर जाऊंगी, वहां तुम्हें जो चाहिए वो खरीद लेना, ठीक है? इसे सवेरे ही जाकर लौटा देना, ओके ना? ओके ना? आई लव यू बेटो, से मम्मी आई लव यू। हे प्रभु, गणेशाय नमः। ए बबली, ए बबली, बबली, अरे ये सब क्या है? पावर कट सर, रात भर किसी के यहाँ बिजली नहीं थी, आपके पास जनरेटर है इसलिए। मेरे रूम में सोने के लिए कहा? हाँ सर, मैंने ही बोला है। अरे भाई, थोड़ा एसी चालू करो ना। क्यों रे, अंडरवियर में खिड़कियाँ है ना, अब एसी भी चाहिए तुझे? अरे यार बंद कर दियो, गर्मी बहुत हो रही है। दरवाजे भी बंद कर। ये कह रहे, टांग पे टांग डाल के सो रहा है? रात को आप पे टांग डाल के सो गया था सर, इसलिए नीचे सुला दिया। तेरी तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं। बहुत खुश लग रहे हो, उसके साथ खेलने का दिन जरूर आएगा। खिलौने पसंद नहीं? मम्मी को पसंद नहीं है। तुझसे है मेरा, तू जहाँ बेटा मेरा, पाक माता जैसे के हो दुआ, तू मेरा रब मिल गया। जाओगे नहीं ना? सच में नहीं जाओगे ना? प्रॉमिस, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
ट्रेन है मम्मी। कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से ही। बैग घर में ही था। झूठ बोल रहे हो? कहाँ सीखा झूठ बोला? तुम से ही। मैंने झूठ बोला? 5 साल से तो झूठ बोल रही हो। सामने के अंकल से हमारा कोई रिलेशन नहीं बोला था ना तुमने? ये झूठ है या सच है? इतने दिनों से डैडी अमेरिका में है कह रही थी, ये झूठ है या सच है? चुप रहो। देख तुम्हारे डैडी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। लेकिन वो बोल रहे थे तुम तो बहुत अच्छी हो। इतने साल मुझसे दूर रहकर अब मेरी जिंदगी में क्यों आना चाहता है वो? तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ? किस स्टेज पे है? एट लास्ट कुछ ही दिन बचे हैं। कोई भी रिएक्शन हुआ तो तुरंत आना होगा। हमरा के पता बा, मुझे पता है आप क्यों प्लेट खाली करना चाहती हैं। वो 2 नोट 4 वाला है ना, उसकी वजह से ना। देखिए बोलिए, लेक चाहिए, एंड चाहिए, जस्ट मारना चाहिए या लाइफ चाहिए? डिसाइड 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 डिसाइड। प्लेट खाली करवा देंगे तो अच्छा होगा। अगर प्लेट ना खाली करवाएंगे तो अपन नाम बदल दे, नाम बदल दे। मेरे अपार्टमेंट में नया कोई भाड़े पे आया है, पसंद नहीं है वो मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं तो क्यों दिया था? मस्ती है इसलिए। वैसे तो ये सब बातें मैं ही डील करता हूँ, एक बार मैदान में उतरने के बाद कहीं मर्डर न कर दूं। टेंशन मारा क्यों नहीं अब तक? मेरे हाथ को ब्लड लगा तो मेरे फ्लैट्स में रहने वाले बिन माँ बाप के हो जाएंगे, इसलिए ये मौका तुम्हें दे रहा हूँ। उसका फोटो? वो फोटो? क्या बात करते हो, नहीं बदलोगे ना? वो लुंगी पहनना, बड़ा तिलक लगाना, मुंह में पान भरना, नहीं बदलोगे? कहाँ रहता है? कहीं और रहता तो तेरे पास क्यों आता? मेरे अपार्टमेंट में रहता है। ये लो एडवांस। बोल भाई। भाई वो यहीं पर है। बेंगलोर में है क्या? मम्मी को टेडी बेयर चाहिए। वो टेडी बेयर कितने का है? ये वाला 500 रुपए का है। यही चाहिए ना? हाँ यही चाहिए। हर्ष रेडी? या 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 हर्ष 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 हर्ष। मम्मी परेशान हो रही है बेटा। होने दो, 5 साल से आपको परेशान कर रही है ना?
दादी आइसक्रीम खाएं क्या? ओके। एट लास्ट। डैडी को आइसक्रीम नहीं खानी है। क्यों? एलर्जी है। मैं भी नहीं खाऊंगा। डैडी डैडी पास में ही प्लेग्राउंड है, चल के खेलें क्या? ओके। यस कम ऑन यस दैट्स माय बॉय। ये डैडी? मुझे मम्मी भी चाहिए। मम्मी डैडी दोनों चाहिए। सालों से तुझे घायल शेर की तरह ढूंढ रहा हूँ। तुझे कोई और मारे तो मैं चुप रहूंगा, तुझे अपने हाथों से ही मारूंगा। Oh!
हाथ पीछे करके क्यों आया है? सर हाथ कांप रहे हैं इसलिए। बुखार? क्या करूं, पूरे देश को बुखार है सर। उस टाइप का बुखार नहीं है, मेरे एड्रेस देने की वजह से वो लोग यहाँ आए हैं ये पता चला, तो क्या होगा उस वजह से बुखार है। आपका अकेला हो क्या कर लेगा सर? अरे तोरा का पता बा ओकर पावर, हम इन आँखों से देखने हैं, ई ओर से 20 लोग, ऊ तरफ से 20 लोग, आखिर ओकर बैकग्राउंड का बारे। भाई भाई सुना क्या, चौका मारा, छक्का मारा, सचिन तेंदुलकर से चुरी मारा भाई, तेरे मरने के बाद ही क्यों मार रहा है वो? क्या है ये, हमेशा स्कोर कितना है पूछता था, कोई फोर मारे या सिक्सर मारे खुद ही मारा हो ऐसा खुश होता था। चुरी मारने वाला डक आउट हो गया है भाई, हम भाई बहुत गंदा है भाई। अरे बाप रे ये पा गया, उसने रोहन को किसने मारा, तेरे भाई ने या मेरे बेटे ने? तेरे बेटे ने। इस हाथ से ही मेरे बेटे ने उसे मारा है, ब्लड सेम ब्लड। 5 साल की दुश्मनी, किसके हाथों कौन मारा जाएगा, सब यही इंतजार कर रहे थे, आखिरकार तेरे बेटे के हाथों वो मारा गया। दुश्मन को मारो, कितने साल के बाद भी मारो, उसके पीछे कितने लोगों को भी मारो, लेकिन उसे परलोक पहुंचाना बहुत जरूरी है। पिताजी हमने उसके लड़के को मारा है, कहीं वो हमें टारगेट तो नहीं बना रहा है? मेरा बेटा मारा है, मैं भी उसे मारूंगा, मार चुरी में उसे देखने आएगा वहीं मार दूंगा, वहीं मार दूंगा, वहीं। खाओ। नहीं चाहिए। कहा ना खाओ, खाओ। नहीं चाहिए। तुमसे कह रही हूँ खाओ। मैडम सर को आईसीयू में रखे हैं, कंडीशन बहुत सीरियस है मैडम। कहाँ जा रहे हो? मामी मेरे पिताजी को बचा लीजिए। इसे देख के ये मालूम होता है वो लोग इसे ही ढूंढ रहे थे, सडनली अटैक हो गया, उसे देखकर ऐसे ही चली गई, जाने कितनी कठोर दिल है। उनको अलग होके 5 साल हो गए तो क्या, ऐसे हालात में भी चली जाएगी? क्या तुम्हें पता है उन लोग अलग क्यों हुए? ईगो प्रॉब्लम है और क्या, असली कारण वो नहीं है। जाओ
गुड मॉर्निंग सर। क्या मामला है? बिल लीजिए। किस लिए? आपकी शादी हो गई ना। क्या मतलब? हमने पार्टी कर ली सर। कितना? 2,999 रुपया 99 पैसे। बाटा रेट है क्या? नहीं, बार रेट है बॉस। बुखार की दवाई के 16 रुपए, ये क्या? अपने प्रदीप को पीने के बाद उसकी बदबू से उल्टी होने लगती है सर। बोलो एक गिलास पी ले, दर्द दूर हो जाएगा। एक और बिल, ये किस लिए? आप हनीमून के लिए गए थे ना। हम हनीमून पे गए थे, तुमने पार्टी क्यों की? अगर बॉस इंजॉय करे तो स्टाफ को भी करना चाहिए। अरे एक और, ये किस लिए? कल आपने घर प्रवेश किया ना। इसके लिए भी तुमने पार्टी कर ली। हाँ सर। इधर आ, ये बताओ, बॉस काम करे तो स्टाफ को भी काम करना चाहिए ना। क्या गलत कह रहे हैं सर। तो फिर अब तुम्हें क्या करना होगा? जाओ जाओ, देख लूंगा। ठीक है सर, जाओ। हेलो, क्या हुआ वसु? हर्ष कहाँ है? कांग्रेचुलेशन जीजा। क्या हुआ, तुम्हारी शादी है क्या? तुम्हारी शादी कराने वाला आया है जीजा। हैप्पी, मेरा भांग जाएगा, मेरा भांग जाएगा, मेरा भांग जाएगा, मेरा भांग जाएगा। ये अच्छी खबर है। रुको, किसे फोन कर रहे हो जीजा? माँ को रे। जीजा, ये बात फोन पर नहीं बल्कि डायरेक्टली घर जा करके बतानी चाहिए। ठीक है, हुई ना। कलेक्टर साहब, इलेक्शन रोक दीजिए। किस लिए? दया करके रोक दीजिए। क्यों, हमारी मेजॉरिटी है तो डर रहे हो? नहीं। तुम जीत कर मेजॉरिटी में नहीं आए हो, किडनैप करके मेजॉरिटी में आए हो। हमने किडनैप नहीं किया, वही आए हैं अपनी मर्जी से। जितेंद्र, ईमानदारी से हमारे आदमियों को छोड़ दो। नहीं, नहीं छोड़ा तो क्या करोगे? काट डालोगे? दे रहे तलवार, दे रहे, ये लो, काट दो, काट दो, यहाँ यहाँ काटो तो दो दो टुकड़े होने चाहिए। जितेंद्र, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो ठीक नहीं है, मालूम है ना? तो फिर हट जाओ ना, तो तुम बचोगे नहीं बचोगे। रुको रुक जाओ। क्यों जोश में आ रहे हो? क्या रे, क्या उन्हें मार देगा क्या? उससे क्यों टकरा रहे हो दशरथ रमैया? वो पहले से ही मेंटल है, जान भी ले सकता है। अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे आदमियों को छोड़ दो। तुम्हारे आदमी? वो लोग? अरे वो अपनी मर्जी से हमारी पार्टी में आए हैं, सुना? तुम्हारे आदमी तो ले जाओ, जाने दो रे, हटो, जाने दो। जनता का भला करके आगे बढ़ने की सोचते हो और हम डरा के उनसे काम निकालने की सोचते हैं। तुम्हारी राजनीति में, मेरी राजनीति में यही फर्क होना चाहिए। आज जो चल रहा है वो मेरा राज है। यहाँ दिमाग से काम नहीं होता, सर काटने वाले का ही राज चलता है। क्या है रे, क्या दांत पीसने लग गया? मुट्ठी भी बनाने लगा है।
तुझे ही ना गांव से बहुत दूर सिटी में रहने को भेजा। क्या नाम है रे तेरा? जो भी हो उससे क्या, तेरा बाप बहुत होशियार है, तुझे भी बचाने के लिए दूर कहीं पढ़ने के लिए भेजा। बेकार में तू कबाब में हड्डी की तरह अगर बीच में आया तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ए कलेक्टर, इलेक्शन होने वाला है या नहीं? जरूर होगा। चलो रे, चलो चलो। जाओ रे, घर जाके खाना खाकर सो जाओ। गांव वालों को बचाने आया था 30 मार्च। ए दशरथ रामैया मरा हुआ साफ है, छोड़ दो उसे, जाने दो उसे। तो हिजड़ों को क्या मारना, जाने दो उसे, जाने दो। ZP चेयरमैन के लिए जितेंद्र जी को मैं सपोर्ट करता हूं। सपोर्ट करने वाले हाथ उठाइए। देखा आपने वो लोग कैसे तमाशा कर रहे थे? गाड़ी रोक रहे। रोहन कहाँ है? अंदर जाके बैठिए, मैं उसको देखता हूं। आप अंदर जाओ, गाड़ी घुमाओ। हमारे लिए नया नहीं है कलेक्टर साहब, हिसाब हो गया ना, दस्तखत करवाइए, करवाइए। ए करना, एक ही वार में रोहन का सर।
मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कपड़े फाड़ दिए, मैं घर चला जाता हूँ। तू मुझे काटने चला था ना? आ मुझ पे हाथ फेर रहा था ना? फेर हाथ मुझ पे, ताल ठोक रहा था ना? अब ठोक ताल, ठोक ताल। तू अपने आदमियों के साथ मिलकर दशरथ के गांव में आया और दो आदमियों को अगवा कर ले गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुझे गांव के बीच सड़क पर मारूंगा, गली में मारूंगा, घर घर में घुस के चुन चुन के मारूंगा। रोहन, मेरा नाम है रोहन। आपके विधायकों को और आपके बेटे की हिम्मत को देखकर मैं आपको इस पद के लिए चुनता हूँ। दशरथ बाबू की, दशरथ बाबू की, दशरथ बाबू की, दशरथ बाबू की। सुनी जी, क्या हुआ जी? छोटे, ये क्या, ये खून कैसा? कुछ नहीं माँ, छोटा सा झगड़ा। छोटा कहाँ, बड़ा झगड़ा किया है माँ, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं थी? अगर कोई पिताजी पर हाथ उठाए तो मैं कैसे चुप रह सकता हूं? चीर डालूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मर जाता तो उठाकर फेंक देते, पिताजी की इज्जत से ज्यादा नहीं है मेरी जान। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम कुछ नहीं जानते, तुम अंदर जाओ। मेरी बात तो सुनो। ये हमारा फैमिली मैटर है, अंदर जाओ। आपका फैमिली मैटर? रोहन, बीवी से बात करने का तरीका है ये? शादी करके बहू के साथ पहली बार गाँव में आए हो, तुझे इस झगड़े से क्या लेना देना? वो हमारे आदमी उठा ले गया और आपका अपमान कर रहा था, और आप मुझसे कहते हैं कि मैं चुप रह जाता? उस बारे में सोचने के लिए मैं हूँ, तेरा भाई है, तेरे छोटे मामा हैं, जिला भर में अपना वर्ग भी है, लेकिन उस लड़की के बारे में सोच जिसके लिए सिर्फ तू है। आज के दिन तू दशरथ रामैया का सिर्फ बेटा ही नहीं है बेटा, वसुंधरा का पति भी है। उसके चाचा के लाए हुए रिश्ते को ना कह के तूने इसके साथ शादी की है। औरत हमेशा खुद की खुशी नहीं देखती है, पति की सलामती चाहती है। सुन छोटे, हर जगह आदमी की मौत से दुश्मनी खत्म होती है, लेकिन इस गांव में आदमी की मौत से दुश्मनी शुरू होती है रे, तुझे मालूम नहीं बेटा? देख बेटा, बचपन में किसी ने मेरा नाम दीवार में लिख दिया था तो इसने उसका हाथ काट दिया, उसके भाई को गाली दिया और उसके घर में बम डाल दिया। अगर ऐसा बेटा पैदा हो तो इस जगह पर त्योहार मनाते हैं लोग। मैंने इसके गुस्से को देख करके इसे गांव से दूर पढ़ने के लिए भेजा। वैसा इंसान अब तुम्हारा पति बना है। जिस पति पत्नी के पास समझने के लिए दिल होता है, उनकी जिंदगी 100 साल तक खुशी से बीत जाती है बेटा। यहां जो हुआ उसे भूल जाओ। कल ही तुम्हें हैदराबाद भेजने की तैयारी करता हूं, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिला परिषद में उसने तुम्हें मारा, उसे टुकड़े टुकड़े किए बगैर कैसे छोड़ दिया तुमने? मुझे फोन तो करते। ए भाई, टीवी में क्रिकेट देखना आसान होता है, बैट लेके मैदान में उतरने वाले को पता है वहाँ अंडरवियर से पसीना छूटता है। ये जा, हमें तलवार उठाए 25 साल हो गए, वो 25 साल होने के बाद तलवार उठाया है, अब उसे ऐसा मारो कि 25 साल तलवार ना उठा सके। दशरथ हमेशा समुंदर की तरह है,
हालात के साथ साथ कदम उठाता है, लेकिन उसका बेटा तो एक तूफान है जो सामने आया उसे उड़ा के ले गया, इज्जत ले गया, पदवी छीन लिया, शेरों के जैसे जीने वालों को गली का कुत्ता बना दिया। अब सीएम को मैं क्या जवाब दूं? मैं मार डालूंगा, उसे मार डालूंगा, आपकी इज्जत वापस लाऊंगा। इतना सीन नहीं है, वो लोग अपने से बहुत तेज हैं। वो कहाँ है पता है? ऑलरेडी हैदराबाद चले गए। कुछ नहीं जीजा, माँ बाबूजी बचपन से ही झगड़े में मारे गए, तब से ही वो वायलेंस से डरती है। और कोई बात नहीं है जीजा। ए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हेलो, हाँ मैं ही बोल रही हूँ। अरे छी, कोका कोला आंटी नहीं, कोका पेटा आंटी बोल रही हूँ। वो शाम को मेरे घर में लॉन्ची है। लॉन्ची नहीं, लंच, वही तो बोल रही हूँ। सुनो, तुमको फॉरगेट किए बिना रिमेम्बर कर रही हूँ। हाँ, हेलो हेलो हेलो, मेरी वॉइस कटिंग कटिंग सुनाई दे रही है। सुनो, मेरी बैटरी की गाड़ियाँ दो ही बची हैं, बहुत लोगों को इंसल्ट करना है। इंसल्ट नहीं, इनवाइट। अरे वही तो बोल रही हूँ। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, फोन रखो तुम। सुनो रमा, ये घर मैं खरीदने वाली थी लेकिन बहुत कचरा है इसलिए छोड़ दिया। तुम्हारे लिए ठीक है, हम लोग तो रिच है ना, हमें नहीं चलेगा। मैं कौन हूँ तुम्हें पता तो चल गया होगा। इस कॉलोनी में मुझे कोक का बेटा आंटी बोलते हैं। कोक का बेटा आपके घर का नाम है आंटी? अरे नहीं रे, ये मेरे घर का नाम नहीं, हम पहले दूध का धंधा करते थे, तब सब मुझे दूध वाली आंटी बुलाते थे। कोक का पेट ने एक एकड़ जमीन बेचकर हम लोगों को बहुत पैसा मिला, उसमें से 10 लाख निकाल कर ये साड़ी और ये गहने खरीदे। मेरे पति से ना कहा तो वो सुनते ही नहीं, वो कहते हैं तुम्हारे गले में महंगा हार होना चाहिए। मैंने कहा सब लोग जलेंगे तो उन्होंने कहा बुरा सोचने वाले का मुंह काला होगा। ऐसा नहीं बोलते, बुरी नियत वाले तेरा मुंह जले बोलते हैं। ऐसा क्या, हमारे इब्राहिम भाई तो ऐसे ही बोलते हैं। अरे रे, आजा आजा। वसु, ये कोका बेटा तो रुक भाई, तेरी कहानी मुझे पता है। लविंग मैरिज किया है ना, प्लेन से चढ़ने उतरने के बीच ही लाइन में ले लिया है ना। देखो मैं ये क्यों बोल रही हूँ ये सुनो, इसे किसी और के जाल में मत गिरने देना। एक बार अगर जाल में फंस गया ना तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। आप क्यों आई हैं मैडम? इतनी देर से देख रही हूँ, कौन है बेतू? काम वाले हो? ओनर और ऑनर बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, तू ये समझता नहीं क्या? आइए आइए आइए, बैठिए। छी, मैं इस पर बैठूं? ये सोफा कैसा है? बहुत चीप है ना रे छोटे, दीदी को ये सब पसंद नहीं है, है ना दीदी? हाँ, बिल्कुल पसंद नहीं। फैन ऑन, दिमाग खराब हो गया है क्या? फैन ऑन करूं पूछता है? दीदी को समझ क्या रखा है? रिचो रिचो, वो तबेले में भैंसों को एसी में रखती है, गोबर चांदी की दीवार पर सुखाती है, वैसी दीदी को पंखे वाला फैन लगाने की बात करता है बेवकूफ। एसी या गीसी या सीसी चलाना चाहिए, है ना दीदी? करेक्ट है, तुम बोल रहे हो वो अच्छा लग रहा है लेकिन सुनने में अजीब लग रहा है। मेरी भाषा ऐसी है दीदी, बोलने में अच्छी लगती है, सुनने में ही अजीब लगती है। हाँ, कॉफी पिएंगे क्या? गेस्ट, हमारे यहाँ कॉफी पीने से दीदी काली नहीं हो जाएंगी, वैसे ही ग्रामर से। ग्रामर नहीं, ग्लैमर। ऐसा क्या, मैं बचपन से इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ दीदी, है ना वसु? चलो चलो चलते, चलो ना। आज शाम हमारे घर में पार्टी है तो बुलाने के लिए आई हूँ, आज हमारा मैरिज डे है, यानी शादी का दिन। दिन गंदा लग रहा है, सालगिरह बोल। ओ, खाना क्या बनाया है मैडम? छी बेवकूफ, दीदी को समझ क्या रखा है? कोक का पेटा, ज्यादा थोड़ी बनाया होगा। एक चाइनीज, एक फ्रेंची, एक टारकी, एक तो क्या रे, खाने के लिए 100 चीजें ऑर्डर की होंगी। तुम्हें जलना तो बहुत मुश्किल है बाबा, ये लड़की तुम्हें कैसे जलती है पता नहीं। चलो, हमको और बहुत वीपियों को बुलाना पेंडिंग में है। वीपी नहीं, वीआईपी। तुम कितना भी बोलो मैं ऐसे ही बोलूंगी। अब चलो, तुम भूलना मत। ठीक है, अपनी वसु कहाँ है? बहना। चलो अच्छा हुआ, तेरी बहना जी, कोका पेटा आंटी को थैंक्स बोलना होगा। अच्छे से फोटो खींचो, गहने भी आने चाहिए। आइए आइए, वेलकम वेलकम। तुम लोग अपना काम छोड़कर हमारे मैरिज यूनिवर्सिटी में आने का शुक्रिया। यूनिवर्सिटी नहीं मैडम, एनिवर्सरी। तुम ऐसे ही बोलती रहो, मैं ऐसा ही कहूंगी। तांक तांक तांक। जेब में पैसा हो तो जन्मदिन भी त्योहार है, शादी का दिन भी त्योहार है ना? की महिमा। आइए, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, तैयारी काफी अच्छी तरह से की है। असल में ये फंक्शन ताज 5 तारा में रखने वाले का सोच रही थी, लेकिन हमारी कॉलोनी में सब मिडिल क्लास वाले हैं और वो लोग स्कूटर और ऑटो से आते हैं तो हमारी प्रेस्टीज कम होती ना। अच्छा, मुझे पता था स्टार होटल का बिल देख के यहाँ रखवाया होगा। छोटे, कोई भी मौका नहीं छोड़ दे। मौका ना हो तब भी नहीं छोड़ते जीजा। ये कौन है, सबका दिया हुआ ले रहा है, काम क्या है? छी, काम वाला नहीं, मेरे
कहती है किशोर यादव। हर एक की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है, ऐसा कहते हैं। मेरी कामयाबी के पीछे मेरी बीवी है। हाँ, एक बीवी होते इतना कमाया है, एक और बीवी होती तो पता नहीं कितना कमाते। उनके लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। अरे ये साड़ी कितने में खरीदी तुमने? 3.5 लाख की। 3.5 लाख? मेरी भी इतनी महंगी नहीं है। बहुत मजाक करते हो भाई, 3.5 लाख की साड़ी होती है क्या? साड़ी के साथ साथ डायमंड नेकलेस भी दिया है। इसे हमारे घर के मर्द लोग खाने से पहले पीते हैं। स्टाइल। ये क्या है? भंग। भांग? भोंग नहीं छोटू, भांग कहते हैं। इसका रंग चूने की तरह क्यों है? खाने से पहले पियोगे तो मजा आएगा। अच्छा है रे, और पिए? क्या कर रही है? स्टाइल है ये, नहीं पियेंगे तो दीदी को फूल होगा। फूल नहीं, फील। मैं इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ ना दीदी, ये पियूंगा तो मेरी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। अरे बापरे, तुम देख लो, चलो। पार्टी है ना वसु, हमेशा थोड़ी पीता हूँ, कभी कभार। प्लीज पीने देना, प्लीज। एक और पीने देना ना। ओके ओके वसु, ओके एक और। ओके हाँ कहो ना, ओके ना, ओके ओके। एंजॉय, परमिशन मिल गई। बाजे आज माला हो। चिक 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 चिक।
हम सीटी मारबता, हाँ पीछे तू आइबा, हम धक्का मारब धीरे से तू चित्त हो जाइबा। जीजा तुम कमाल के हो, जीजा तुम शेर हो, जीजा तुम कमाल का डांस करते हो। आई लव यू जीजा। हाँ चल सो जा जीजा, मेरी बहन का ख्याल रखना जीजा। ए जीजा लेट बाय जीजा, जीजा मेरी लाइट ऑफ कर दो जीजा। बाय जीजा, जीजा तुम कमाल हो जीजा। गाड़ी रोक। हेलो हेलो, क्या मामा जी? नरेंद्र का लड़का हैदराबाद में रियल स्टेट का बिजनेस कर रहा है, वो लोग तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, थोड़ा होशियार रहो। वो क्या करेगा मामा? अरे मैंने तुम्हें कहा ना, तुम क्यों नहीं हमारी बात सुनते हो? ठीक है ठीक नहीं, मेरी बात को याद रखना। हेलो मिस्टर, कृष्ण यादव का घर कहाँ है? वहां पर। भाई काम बजाते हैं। मारना आया सेटलमेंट। सेटलमेंट भाई, सेटलमेंट पे मैं क्या करूं, मेरा काम है मारना, लिटा दिया जा रहे है। क्रिकेट लास्ट ओवर है, टेंशन हो रही है, मैं नहीं रहा तो हार भी सकते हैं। ना भाई क्या जा रहे, मैं यही पे हूँ, तुम लोग खेलो। हाँ फिर से फोर। ए लड़की आराम से पूछ, कहाँ से आया है मालूम है? बैंकॉक से मंगवाया है, 12,000 का। तूने क्या समझ रखा है? हाँ बहुत दिन के बाद आए। अरे अरे रियल एस्टेट वाले हो ना? 5 साल पहले आए थे, 5 एकड़ जमीन मांगी और वैसे ही चले गए। आप देख सकती हो ना, तब के दाम अभी है क्या भैया? सब बदल गया है। क्यों बदलेगा? तू बदली, मैं बदला, जमीन नहीं बदली, दाम क्यों बदलेगा? अच्छा मजाक करते हो, बिना बदले वैसे ही रहने के लिए ये स्टील सामान का धंधा है क्या? ए, 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 क्या हुआ? क्यों मेरी बीवी पर हाथ उठाया? दस्तखत कर। भैया भैया, पैसों के साथ दूध का धंधा करने वाले हैं हम, छोड़ दो भाई। रुको, कितने लोगों को बेचेगा ये जमीन? ऐसा ही पेपर था ना जब मुझे बेची थी? हाँ? परसों मुझे बेची थी, अब इस गधे को बेच रहा है। कल मेरी जमीन पे ये गधा आएगा, मेरी कहेगा, तब मुझे गुस्सा आएगा और मैं इसे ये देख के ये गधा आएगा। बोला था ना, ये देख के ये गधा उछल के आएगा। भाई कौन है मालूम है? भाई भाई कौन है भाई? तेरे भाई की ऐसी की तैसी चलट। दुकरे, ए आखिर तू कौन है जो हमें मार रहा है? तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? जमीन के लिए और मैं उनके लिए।
मार दो इसे। सिक्सर। आज चाहे जो भी हो जाए मेरे हाथ तो मर के ही रहेगा। मजा आया ना, मैं यही बोल रहा था। उस दिन गांव के पास सब लोगों को यही मारो मारो और मारो। भाई 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 नीचे मारो, नीचे भूल गए, मारो। रुको रुको रुको, चलो अब बहुत मार खा चुके हो, रुको रुको। तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी फैमिली के साथ मार दूंगा। भाई ज्यादा चिल्ला मत, छोड़ूंगा नहीं तुझे। चुप करो, अंदर चलो चलो जल्दी, देख लूंगा तुझे। याद रखना आगे से, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए। ये क्या कर रहे हैं? फिर कभी वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, आए तो मुझे बताना। बेटी मेरी भी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, थोड़ा तुम्हारे पति से बात करो ना। हाँ मैं जितने चाहिए दे दूंगा। भाई ठंडा पियो, ठंडा, ठंडे हो जाओगे ठंडा। अरे बाप रे, अब बंद कर इसे। हाँ बंद करता हूँ, अब किस लिए हार गए ना? बार बार हार जाना अपने लोगों की आदत हो गई है भाई। दूम हिलाते हुए जाना, मार खा के आना। भाई एक बार शरद पवार से बात करके टीम को बदलना होगा। उस टीम को नहीं बदलना है रे, मेरी टीम को। अगर मैं जाता तो वो दूसरा पाँव ही चला जाता। हाँ क्या रे, तुझे क्या मारा? लंगड़े सारे फोर है ना, छोटे भाई को धोया है, सारे सिक्सर ही, उसमें दो नो बॉल थे, भूल गया, वो भी सिक्सर थे। देखो भाई तुम चाहे कुछ भी बोलो, अपने लोगों को बॉलिंग नहीं आती, उसे आउट करना मुश्किल है। भाई बेवकूफ साले, शिकार करने का एक तरीका होता है रे, हिरन के शिकार जैसा शेर का शिकार नहीं होता। मुझे शेर का शिकार करने वाला चाहिए रे। डैडी, मिनिस्टर जी। वो कहाँ है? नहीं आए। तो तुमने क्या किया? ए,
कुत्तों को खिलाओ, इसे ले जाओ। सही आदमी के पास आया हूं आज। बोलिए। हेलो। घर में रहकर फोन क्यों नहीं उठाती? पागल हो गई थी, तुम्हारे रिश्ते को मना कर दिया, लव मैरिज कर बैठी। क्या हुआ बसु? आज पछता रही हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ, तुरंत घर आ जाओ। ए, क्या बोल रही थी? मेरी शादी एक इंजीनियर से नहीं, एक गुंडे से हुई है। तुम्हें हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ, आपका ये फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया। ए, फैक्शन कैसे, क्या ताल्लुक है? उनका आपस का झगड़ा था, आप बीच में क्यों पड़े? मतलब वो लोग खाने पर बुलाते हैं तो जाना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन मुसीबत में उनका साथ नहीं देना चाहिए हमें। कॉलोनी में और भी बहुत से लोग रहते हैं, उन सबको भी गुस्सा आता है, सिर्फ आपको ही आता है। आपका ही खून ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी फैक्शन फैमिली है। ए, फैमिली को बीच में क्यों ला रही हो? आपकी फैक्शन फैमिली नहीं है? नहीं तो काम धाम छोड़ के चाकू लेके घूमते क्या? अगर ऐसा नहीं है, इस कॉलोनी में सारे लोग आपको एक गुंडे की तरह ही जानते हैं, समझे आप? तुम कहती हो मैं गुंडा हूँ, वो लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ। उसके पति की जान को बचाने के लिए झगड़ा किया, किसी के बाप के लिए करोगे, पड़ोसियों के लिए करोगे, कल अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कभी इस बारे में सोचा है? मैं किस भगवान के पास जाऊंगी? मतलब वो लोग मुझे कुछ कर देंगे? आपने कहा था कि आप झगड़ा नहीं करेंगे। आने दो, सालों को मार डालूंगा। अरे जिसने मेरे आदमी पर हाथ उठाया, बाहर निकल। रोहन, मेरी बात तो सुनो। शेर, शिकार करने में मजा आएगा रे। मैंने आपके आदमी को मारा, आप मुझे मारने आए हैं, मारिए। हेलो, बताओ रुक जाओ रुक जाओ। शेर को मारो, कुत्ते को नहीं। चलो। जीजा, 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 क्या हुआ जीजा? वो तुम्हें कैसे मार गया जीजा? इसकी तो ए हर्ष, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बीवी को पाने के लिए मैंने हिंसा छोड़ दी है। I'm sorry. लुभा गया
अरे मुझे ये पता नहीं था, रूठने मनाने से हाँ आएगी करीब मेरे तू बन के राजी। खुद को देख 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 दर्पण में ए चीची पापा को देखो, हाँ देखो। ए भांजे, हाथ पैर धोए कि नहीं? किस लिए जीजा? इन्फेक्शन होगा रे। अब्बो कल मेरी भी शादी होगी, मुझे भी बच्चे होंगे बापू। क्या की ये मेरा भांजा है, फर्स्ट टाइम मंदिर जाके नारियल फोड़ के आया हूँ। आप लगा सकता हूँ क्या बापू? ठीक है लगा लगा। थैंक यू जीजा। वो लगाने से पहले इस बिल पे साइन करना होगा। ये कैटक पैसा है, इन्फेक्शन ना हो इसलिए। ये बिल कैसा है? वो होने वाली पार्टी के लिए 10,000 का बजट पास हुआ है। 10,000? पर शादी के समय तो 3,000 ही खर्च हुए थे ना। यानी शादी एक परीक्षा देना, बच्चा होना रिजल्ट है। ओ। रिजल्ट आने के बाद ज्यादा एंजॉय करना। ठीक है ये लो पकड़ो, थैंक यू, जाके पार्टी कर लो, जाओ। चीयर्स। हमेशा पार्टी वार्टी करता रहता है, ड्यूटी कब करता है? पार्टी को भी ड्यूटी की तरह फील करना फिलॉसफी है। मौज करते हुए जी रहा है। खैर बच्चे का बर्थडे कब है सर? पैदा होके सिर्फ 1 घंटा हुआ है गधे, 1 ईयर टाइम लगेगा। पार्टी के लिए बहुत गैप हो जाएगा। आपका बर्थडे कब है सर? पार्टी के लिए पूछा हूँ, प्रॉब्लम हो तो मत बताइए। साले, मेरे जीजा पर हाथ उठाता है साले, तेरी तो मैं ऐसी। वो कल वाली दवाई कहाँ है? अपने पीछे लड़की थी ना, उसे छेड़ा, उसने छेड़ा समझ के उसे पकड़ लिया, आज उसकी धुनाई होगी, इसीलिए वो भाग गया। भाग गया। बताओ क्या बात है? मुंह से बात कर रहा हूं ना, मुंह से बात करो। मैडम, मैडम बताओ क्या हुआ? तुझे क्या बदला है? Thank you.
तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जीजा, कुछ नहीं होगा जीजा। बहन का ख्याल डॉक्टर जीजा, मेरी बहन का ख्याल रखना जीजा। जीजा मुझे नींद आ रही है डॉक्टर, प्लीज जीजा। डॉक्टर आई एम सॉरी। लाइट ऑन रहने पर मुझे नींद नहीं आती है। तुम्हें पता है असल में क्या हुआ था? जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। उस दिन तुम जानबूझकर मार क्यों खा रहे थे? मुझे धोखा देने के लिए। तुम कभी नहीं बदलोगे, कभी भी नहीं। ये जिंदगी हमारी नहीं है, हमारे माँ बाप की है। हम जिसके माँ बाप हैं, उसकी खातिर तो रुक जाओ। इसी के लिए, इसी को बचाने के लिए दूर जा रही हूँ। वसु, जल्दबाजी में प्यार हो सकता है, जल्दबाजी में शादी हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में जुदाई मत करो। देर करने की वजह से हमेशा मेरे खुशी चाहने वाले भाई को मरते हुए देखा है। चले जाओ। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे जरूरत नहीं। अगर मुझे कभी फोन किया या अपने माँ बाप को मुझे समझाने के लिए भेजा तो हम दोनों मारे जाएंगे। बच्चे की कसम खाती हूँ। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। रोहन को होश आ सकता है, तुम रिसेप्शन पे वेट कर रहे हैं, उनके माँ बाप को बताओ। ओके। बेटा सुनो, बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ रे। संभाल के बेटा। बेटा डॉक्टर ने मना किया है ना? मुझे बेटे को देखना है। अरे तुम समझते क्यों नहीं, सब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे को देखना है। चला जा, वो दोनों ही तुझे प्यारे हैं तो चला जा। बेटा बेटा तुम तो उसे समझाओ, वो किस हालत में है उसे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बेटे के बगैर वो नहीं रह पाएगा तो बताने के लिए कहो, कोर्ट तक जाकर के भी ले आऊंगा उसे। पिताजी। बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? क्या हुआ रे, बोल। ए रोहन बता क्या हुआ, क्या हुआ? बोल रे, बोल बेटा, बोल बोल बेटा। मेरा बेटा ज्यादा दिन नहीं जिएगा।
वो मरने वाला है। ये सब क्या है बेटा? हाँ अंकल, हर्ष के ब्रेन में ट्यूमर फॉर्म हुआ है, कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, फिर भी फौरन से डॉक्टरों को बुलाया है। इस बीच कोई भी रिएक्शन आया तो, इसलिए हर पल हर्ष के लिए टेंशन है। मेरे बेटे को चोट लगती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, ऐसे में तेरा बच्चा कल तक जिएगा नहीं, ये सोच कर कैसे रह पा रहा है तू? क्यों ऐसे बैठा है? एक महीने में स्कूल खत्म हो रहा है तो टीसी क्यों ले रहे हो? हम बाहर जा रहे हैं मैडम, प्लीज टीसी दीजिए। अरे तुम चले जा रहे हो, अब कभी नहीं आओगे? ओ, आप अपने पति के पास जा रही हैं? जी हाँ। बेचारे इसके बाबा को कल एग्जीबिशन में किसने गोली मार दी। तेरे डैडी को कुछ नहीं होगा, चल भगवान से दुआ करते हैं। बेटा कहाँ है? बेटी तुमसे एक मिनट बात करनी है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। सुनो बेटी, वसु सुनो तो बेटी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी यादें, I miss you वसु। ये जो देख रही वो सच है, तुम्हारे बेटे को एक मामूली बुखार था, तुम सुरेखा के पास ले गई थी, तुम्हें याद है ना? वो कोई आम बुखार नहीं था बेटा, जान निकालने वाला ब्रेन ट्यूमर था। ये सच डॉक्टर ने रोहन को बताया, तेरे बेटे को तुझसे दूर किया ऐसा तुम सोच रही हो, जीने वाले 10 दिन खुशी से जिया ऐसा वो सोच रहा है, फिर ये बात बहू को बताऊं क्या? पूछा तो दुनिया में सबको खोकर बेटे को ही अपना सर्वस्व मान रही, उसके पास जाके बेटा नहीं जिएगा कहे तो वो जिंदा नहीं रहेगी। बोल करके रो रहा था बेटा, बोल करके रो रहा था। इट्स अ वेरी क्रिटिकल केस विद स्लिम चांसेस। ट्राई योर बेस्ट डॉक्टर। खुश हूँ डैडी।
वरना आप मेरे पास नहीं आते ना डैडी। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ डैडी। ऑपरेशन का टाइम हो गया। देर हो रही है। रोहन, हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। एक बार हाथ छोड़ा था तो 5 साल के लिए दूर हो गया। इस बार छोड़ा है तो पता नहीं आएगा यार। नहीं, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। चुकी हूँ 40 मिनट के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा है। जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, वो करेगा। उसके बेटे की आयु है 29 मिनट्स केवल। सर, छोटा बच्चा है सर, छोड़ दीजिए सर। आपको मुझे मारना है ना? ऑपरेशन का टाइम हो गया है सर, प्लीज। हाँ, मेरा बेटा कहके तुम जो दुख झेल रहे हो वो दुख मैं 5 साल से झेल रहा हूं। कम से कम 27 मिनट्स का दुख देके तुझे मैं मारूंगा। प्लीज सर, ऑपरेशन में देर हो रही है, प्लीज। उस दिन तुझे नहीं मारा इसीलिए दोनों बेटों को गवा चुका हूं। तूने मेरे बेटों को मेरे सामने नहीं मारा, लेकिन तेरे बेटे को मैं तेरे सामने ही मारूंगा। इसे मर्दानगी कहते हैं। छोटा बच्चा है, बेचारा बीमार है, छोड़ देते हैं, इसे मार देते हैं भाई। हाँ, जो मरे वो मेरे बेटे थे। डैडी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डैडी, दिखाई दे रहा है, मूवी है ना। बुलाओ 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 बुलाओ, पिताजी को बुलाओ रे, पिताजी को बुलाओ, चिल्ला चिल्ला रे। ब्लड, उसके बाद ब्रीड, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन। Hey!
बेटा। बेटा जाओ। टाइम बचा है। अरे Operation went very well. There is nothing to worry about. Thank you, doctor. मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका, अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें बताए बगैर इसे ले आया, यही गलती हो गई मुझसे। रोहन, तुमने कहा था घर से जा सकते हो मगर दिल से नहीं।